भोजपुर जिला घर बा और कौन बाट के दर बा। बक्सर से चलकर हमारी बोट यात्रा अब आ पहुंची है भोजपुर के मेहुली घाट, जो कि बढ़हारा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और हम बात करेंगे यहां के मतदाताओं से और जानेंगे उनका मिजाज। भोजपुर वीर के बार नगरी और ई बा गंगा के कगरी। हम मौजूद हैं भोजपुर जिला में और ये है मेहुली घाट। यहाँ से थोड़ी दूर पर शिवपुर घाट है, जहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए गोली लगने पर अपनी बांह काटकर गंगा मैया में बहा दी थी, और हम उसी गंगा के किनारे भोजपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ भोजपुर की जनता है, हालांकि ये बढ़हारा विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे भोजपुर में देखा जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक बढ़हारा भी है, और बढ़हारा की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, उसके बारे में बात करते हैं। आप बताइए, क्या इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि अब तक जो काम किया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? ऐसा लगता है कि अब जो भी अधूरा काम है अब की बार पूरा हो जाएगा। कुछ काम ऐसा है जो कि पूरा हो गया है, कुछ ऐसे भी काम है जो कि बाकी हैं। जैसे यहाँ पर रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, ये बाकी रह गया है, तो कुछ बाढ़ क्षेत्र है इसलिए भी रह गया है। अरे भोजपुर वीर के नगरी हो बा गंगा जी के कगरी, आ कुंवर सिंह रहलन यही जे के सुनिल कर जिक्री, धरती तो धरती खूनवा से यही जे रंगाइल बा, आरा भोजपुर नमवा धराइल बा, आरा भोजपुर नमवा धराइल बा। भोजपुर का जिला मुख्यालय है आरा, और आरा का जो प्राचीन नाम है उसको अरण्य कहा जाता है, यानी कि वन, काफ़ी जंगल हुआ करता होगा यहाँ, इसलिए इसका नाम आरा पड़ा है। और आरा की जनता क्या सोचती है इस बार के चुनाव के बारे में, और क्या मिजाज है, ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि एक बार फिर एनडीए का चेहरा हैं, उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं, आप बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मैदान में हैं। जंगल राज से तो अच्छे हैं, अगर वो सरकार जो जंगल राज का ना रोड था ना बिजली था, भ्रष्टाचार था, लूट था, बलात्कार था, आज उससे तो अच्छा नीतीश जी की सरकार अच्छी मानी जाएगी, पुनः उनकी सरकार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो 4 घंटा बिजली मिल रहा है, रोड रास्ता अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कमी बुराई तो हर कोई में होता है, लेकिन उनके बिहार में उनसे अच्छा बेटर देन अभी के लिए मुख्यमंत्री बिहार के लिए वही होना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी नए हैं, अभी और अपना समय खपाएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण करें, तब उनको उस योग अभी बनने के लायक। वर्तमान जो सरकार है उसके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, सरकार बदलना चाहिए। इतना दिन से इनका सरकार है, अभी कोरोना में कितना लोग देख रहे हैं ना, कैसे आया है दिल्ली से, वो सब देखने के बाद हिम्मत नहीं करता है ना इनको वोट दिया जाए। हालांकि सच पूछे तो कोई भी नेता अच्छा नहीं है, ना तेजस्वी है ना नीतीश है, नोटा ही सबसे अच्छा है। आरा मैं आया हूँ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ आरा शहर में, आपको लगता है कि पहले से क्या क्या हुआ है? पहले तो बिजली का हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है, और रोड का हुआ है, शहर में शांति है, पहले नहीं था, पहले भी था, आखिर इतना नहीं था, इतना नहीं। चुनाव के लेके उत्साह तो है, सरकार बदलना चाहिए, दम बदलना चाहिए। नीतीश जी के कार्यकाल से तो हम तो खुश नहीं है, कोई भी क्या दिक्कत क्या है, हर चीज़ में दिक्कत है। क्या जैसे कहते हैं कि शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, छोटे छोटे स्कूल स्तर के बच्चे अब दारू बेच के कारोबारी हो गए, यही तो है नीतीश जी का सरकार, अफसरशाही चरम पर है, प्रशासन ही दारू बेचवाता है। सरकार को क्यों बदलना चाहिए, किसको आना चाहिए, बिहार में कौन है नीतीश कुमार के अलावा जो बिहार को चला सके, बिहार को चला, और हिंदुस्तान में कौन है जो मोदी जी के बिना जो मोदी जी हिंदुस्तान को चला सके? आज हमारी क्या स्थिति है, आज देख रहे हैं हमारी क्या स्थिति है, कोई चाइना हो या कोई भी हो, आँख दिखाने का उसका हिम्मत। आपको लगता है कि इस वर्तमान सरकार ने विकास किया है, खासतौर पर किया है,
24 घंटा बिजली मिल रही है, रोड हम जहाँ नहीं जा पाते थे वहाँ जा रहे हैं, गांव का संपर्क इतना बढ़िया है, हम गांव में जाने के लिए सोचते थे, आज नीतीश की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हम जहाँ कहीं भी चाहें बिहार के किसी कोने में हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। भोजपुर का इलाका लिट्टी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ की मिठाइयाँ भी काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, और ख़ास तौर पर सकड्डी का जो ये खुरमा जिसको पटना में बेलग्रामी कहा जाता है, ये काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध मिठाई है, एक जो छेना से ही बनाया जाता है, और काफ़ी लोग जो पटना से जो भी आते हैं आरा, वो यहाँ का ये खुरमा लेकर ज़रूर जाते हैं। एक खीर मोहन है, खीर मोहन दिखाइए ज़रा कैसे कैसा दिखता है, खीर मोहन का भी यहाँ पर काफ़ी चलन है, ख़ास तौर पर ये आरा का ही मिठाई है, और आप देख सकते हैं कि कितना देखने में ही काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। इसके अलावा पेड़ा यहाँ का काफ़ी, सकड्डी का पेड़ा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पटना और आरा के बीच में ये जगह है सकड्डी, जिसमें लोग जो भी पटना से आरा आते हैं या आगे जाते हैं वो ज़रूर यहाँ रुकते हैं और यहाँ की मिठाई और लिट्टी का आनंद लेते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार पलटेगी कि रहेगी? अब तो इतना माने कि नहीं बता सकते कि सरकार पलटेगी कि नहीं पलटेगी, अब तो 10 तारीख का पता लगेगा दिसंबर में। आप बताइए क्या क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो पहले के मुकाबले ज़्यादा सकारात्मक है। पहले बड़ा भीड़ भाड़ का चलता था चुनाव, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, कोरोना काल कहिए या चुनाव आयोग की बंदिशें कहिए, उसके अनुसार बड़े ही इत्मीनान से वोटर जो हैं, एक पहले का गाना था कि ये पब्लिक है सब जानती है, ठीक उसी को चरितार्थ करते हुए यह व्यवस्था आगे की ओर बढ़ रही है। तो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब लगता है कि वोट डालने लोग जाएंगे? बिल्कुल, वोट डालने तो सबके सब जाएंगे ही, निश्चित रूप से बिहार में। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि वोट डालने जाएंगे, कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। हम आपको रेस्टोरेंट का भी, अभी तो हम जहाँ पर ये मिठाइयाँ बन रही थी उसके बारे में बता रहे थे, अभी रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। आप बताइए चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल, नीतीश कुमार जाएंगे, अब जाएंगे कहाँ है? महागठबंधन का सरकार बनने वाला है। अच्छा, मेरे नजरिए से देखिए, नीतीश कुमार मतलब कौन काम के लिए आपको लगता है कि वो नहीं रहना चाहिए? स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं अच्छा, स्टूडेंट के लिए अच्छा, बाकी लिए होंगे अच्छा, लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग बताइए। हम लोग यहाँ के विजिटर हैं, कहीं और जा रहे हैं तो यहाँ रुकते हैं, हम जब भी जाते हैं रुकते हैं, रास्ते में इच्छा हुई, हाँ लिट्टी खाने की इच्छा हुई तो लिट्टी खाने के लिए, मतलब हमेशा आज पहली बार रुके हैं कि यहाँ का लिट्टी अच्छा लगता है? हाँ लिट्टी बहुत अच्छा है, यहाँ का पेड़ा मशहूर है। खीर मोहन भी और बेलग्राम, मोहन नहीं खाए, बेलग्रामी उद्वंत नगर का, उद्वंत नगर का, तो वो भी भोजपुर का ही, भोजपुर का ही है बस, का उसका पानी का अलग स्वाद है। बिल्कुल, तो उद्वंत नगर का जो बेलग्रामी होता है उसका स्वाद, जैसा कि ये बता रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूँ, इसका स्वाद अलग होता है। चुनाव का क्या आप देख रहे हैं? नीतीश सरकार बनेंगे, नीतीश, हाँ इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं। आप बताइए, चांस तो क्या बताएं, चुनाव के बारे में चांस कुछ कम है नीतीश कुमार का, कम है, घूमने फिरने से तो यही लग रहा है। क्या है, अब क्या है, कम है, मतलब क्या कारण है?
कारण बिहार में जातिवाद छोड़ के और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। दूसरा चीज है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए। एकदम इतना ये अटल बिहारी वाजपेयी के जो 22 पार्टी का मिक्स वाला सरकार बना था ना, वैसा ही सरकार अगली बार बनने का उम्मीद है, मिला जुला सरकार एकदम वैसा ही। पटना और आरा के बीच महज 55 से 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस दूरी को तय करने में घंटों लग जाते थे, क्योंकि ये सड़क जो थी बुरी हालात में थे ये सड़क, और ख़ास तौर पर जो कोइलवर ब्रिज है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, अब ये सड़क 4 लेन बनाया जा रहा है, जिससे ये लगता है कि अब पटना से भोजपुर जाना हो या फिर बक्सर जाना हो या फिर उत्तर प्रदेश जाना हो, ये काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी कम समय में लोग अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, ख़ासतौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस मामले को उठाया गया था। पुल तैयार है बिल्कुल, जो कि सोन नदी पर बना है कोइलवर के बगल में, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी पुराने जो कोइलवर व्हील है लोहे का, अब्दुल बारी जो ब्रिज है उसी से लोग गुजर रहे हैं, दिक्कत अभी भी है। लेकिन आशा बनी हुई है कि चुनाव के बाद जो नया पुल बना है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा और आम लोगों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। भोजपुर के विकास में सबसे बड़ी बाधा सड़क यातायात का अच्छा ना होना है। सड़क यातायात की वजह से पटना से आरा जाने में काफ़ी वक्त लगा करता था। इसकी वजह थी ये कोइलवर पुल, सोन नदी पर बना ये कोइलवर पुल, जिसे पुराना पुल है, जिसे अब्दुल बारी ब्रिज भी कहा जाता है, जिसमें नीचे सड़क यातायात है और ऊपर से रेलगाड़ियां चलती हैं। ये पुल इतना संकरा था कि इसको पार करने में ही कई बार लोगों को जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता था, और ये स्थिति लगातार बनी हुई थी। ख़ासतौर पर NDA की सरकार ने काफ़ी जगहों पर पुल का निर्माण किया था, लेकिन इस जगह पर पुल का निर्माण ना होना काफ़ी समय से खल रहा था, लेकिन अब ये कमी भी पूरी हो गई है। आपको दिखा रहे हैं ये पुल, एक ठीक उसके पैरेलल में एक पुल बनकर तैयार है। इसका ये 6 लेन का पुल है और इसका 1 लेन बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, जो 3 लेन का है, तो काफ़ी राहत महसूस लोग करेंगे। हालांकि इसका उद्घाटन अभी नहीं किया गया है, छोटी गाड़ियां आ जा रही ज़रूर हैं, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी जो इसका दूसरा भाग बनना है वो उसको बनाने की तैयारी चल रही है। ये सोन नदी पर ये पुल है और भविष्य के ज़रूरतों को देखते हुए इस पुल को बनाया गया है। 6 लेन का पुल है तो यातायात के लिए काफ़ी सुगमता हो जाएगी, ख़ासतौर पर पटना से जो भोजपुर जाते हैं, बक्सर जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आपको जाना है तो ये पुल काफ़ी सहायक होगा और कम समय में आप अपनी यात्रा तय कर पाएंगे। काफ़ी समय से इसकी मांग थी जो अब जाकर पूरी होने जा रही है। हालांकि चुनाव के कारण जो आचार संहिता लागू किया गया है उसके कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव के बाद निश्चित तौर पर आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन होगा और बड़ी गाड़ियां भी आ जा सकेंगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, कोइलवर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।